Hi guys, welcome to Crazy Clowns. So hope everyone is doing well. हम सभी लोग कुशल मंगल हो. तो आज का शुरू करते हैं पॉडकास्ट बिना किसी देरी के. Yes. तो हम पिछले, आप जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले हमारे तीन पॉडकास्ट जो हुए उसमें हमने मोस्टली बात करी है फ्रेशर के बारे में. हमने हर चीज़ फ्रेशर के बारे में, उसकी जॉब कैसी है, उसको सैलरी कैसे मिलती है, है ना, और उसका पहला एक्सपीरियंस कैसा होता है, फर्स्ट जॉब करता है, आपकी क्या करता है. हाँ, तो अब हम सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, कुछ थोड़ा एक नया रूट लेते हैं और हम आज चलते हैं अपने मैनेजर के बारे में बात करने के लिए. तो आज हम अपने मैनेजर से ये पूछने वाले हैं, मैनेजर या लीड जिसके साथ वो फ्रेशर काम करता है, तो उससे आज हम ये पूछना चाहेंगे कि जब भी एक फ्रेशर एक कंपनी में ज्वाइन करता है तो वो जिस भी किसी मैनेजर के अंदर काम करता है, तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, फ्रेशर को किस नज़रिए से देखता है पहली बात तो वो, और दूसरा कि उससे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक फ्रेशर से, और थोड़ा सा फिर मेरे बारे में भी बात होगी इसके बाद कि मेरे साथ इनका कैसा टाइम रहा, इन्होंने कैसे मेरे साथ क्या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, तो उस सब बारे में बात करेंगे आज. तो पहले स्टार्ट करते हैं कि आप बताइए जरा कि एक फ्रेशर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं. मैं आता हूँ, बात करता हूँ, बस मेरा एक सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्यू करते हैं और अगर हम थोड़ा सा भी आपको ये जो कंटेंट है, अगर ये आपको लगता है किसी काम का है, थोड़ा भी हेल्प कर सकता है किसी को, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, या जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर कॉलेज में होते हैं, जो जिनका ये एक्सपेक्टेड होगा एक साल दो साल बाद, आप उनसे ये चैनल शेयर कीजिए, उनसे बोलिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ हम लोग इसमें टाइम लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं फॉर श्योर सबकी हेल्प करने के लिए, बट ये वन साइडेड तो होता नहीं है. हम हेल्प करेंगे सबकी और हम भी सोचेंगे हम भी थोड़ा सा कुछ अपना नाम कमा लें, थोड़ा सा कुछ कुछ तो कमा लें, करेक्ट. तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि आप व्यू करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों में शेयर करें. और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर पिछले तीन यूट्यूब वीडियोस से, हम जो भी शेयर कर रहे हैं चीज़ें आपको मोस्टली देखने को नहीं मिलेंगी. आपको ऐसा कोई चैनल आपको शायद ही मिले जो कि इतना जो है अंदर जाके पूरी अंदर की बातें बताना, इस तरह से इस वे में प्रेजेंट करना. ये एक यूनिक चैनल हम लोगों ने इसलिए क्रिएट किया है. कोशिश करी है, हम कोशिश करते रहेंगे कि इसको यूनिक रखें और एक्सपीरियंस शेयर करें, सो दैट सभी को हेल्प हो, सभी को एक कंफर्ट लगे जब वो आईटी इंडस्ट्री में है. ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन. यस, ठीक है. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. आएंगे, वो एक एग्जांपल है, बट बट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि एक मैनेजर लीड कैसे देखता है फ्रेशर को. तो देखिए, कोई भी मैनेजर या लीड, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम की, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने काम कंप्लीट करवा के देना है, करके नहीं देना है, करवा के भी देना है. उनको भी कुछ करना पड़ता है, उनके साथ लोगों को भी करना पड़ता है. अब वो लोग अलग अलग लेवल के होते हैं, कोई सीनियर होता है, कोई मिड जूनियर, कोई जूनियर, कोई फ्रेशर. अभी जब भी कोई फ्रेशर आता है तो फ्रेशर, मैंने जैसे बोला है लास्ट पिछले वीडियो में कि फ्रेशर में कंपनी इन्वेस्ट करती है और सोचती है जब ये सीख जाएगा तब कुछ कमाएंगे इससे, ठीक है. तो कंपनी को तो बिलिंग से मतलब होता है, अपने क्लाइंट्स, ठीक है. लेकिन कंपनी डायरेक्ट कभी किसी बंदे से काम में इन्वॉल्व नहीं होती है कि तुम कैसे कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो, यू नो दी हायर मैनेजमेंट एंड ऑल, वो नहीं होते हैं, दे डोंट गेट इंटेलिजेंट ऑल दैट. तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है लीड के ऊपर, लीड एंड मैनेजर. मैनेजर ऊपर होता है, लीड उसके नीचे होता है, एंड देन देयर आर दैट्स अ टीम. एक मैनेजर के अंदर मल्टीपल लीड हो सकते हैं या कई बार लीड मैनेजर सेम भी होते हैं. तो लीड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको फ्रेशर दिया जाएगा, उसको फ्रेशर को सिखाना है, उससे काम करवाना है, डिलीवरी दिखानी है, सब कुछ, और बिलिंग बढ़ानी है प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी के लिए. ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक लीड के लिए. लीड कभी, कोई भी लीड हंसी खुशी नहीं बोलता है प्लीज़ गिव मी, या कभी रिक्वेस्ट नहीं करेगा प्लीज़ गिव मी अ फ्रेशर. तो सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब मैं बता जितना प्रेशर प्रेशर के ऊपर होता है उतना ही लीड के ऊपर भी होता है, उससे कहीं ज़्यादा. मैं बात करता हूँ, तो हमेशा लीड इसको एज अ लाइबिलिटी देखता है. वो कभी ऐसे नहीं देख सकता कि ये मेरे काम आएगा, बिकॉज हमको तो डिलीवरी देनी है लीड्स को,
तो उनको फर्स्ट डे से ही काम ऐसा करके देना है कि वो दिखा सकें कि ये काम वैल्यू ऐड कर रहा है, ये काम कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो कि फ्रेशर नहीं करता, नहीं कर सकता रादर, बिकॉज कोई फ्रेशर नहीं कर सकता फ्रॉम राइट फ्रॉम डे वन। फ्रेशर्स को 5 to 6 months लग जाते हैं ऑन एवरेज कि वो कुछ डिलीवरी करें, सीख के ना, सबसे पढ़ के सीख के ट्रेनिंग करके और डिलीवरी करें, तो उनको 5 to 6 months लगता है। वो 5 to 6 months कितने भारी होते हैं एक लीड के लिए, वो लीड जानता है, बिकॉज कंपनी वो टाइम में अपनी पॉकेट से पे करती है और लीड जो लीड होता है उसका मैनेजर या हायर मैनेजमेंट उससे एक्सपेक्ट करता है कि जल्दी से जल्दी इस बंदे को आप बिलेबल बनाओ। आप जितना लेट करते हो बिलेबल बनाने में उतना कंपनी आपके ऊपर प्रेशर डालती है, और ये प्रेशर वो लीड है वो किसी को बोल भी नहीं सकता है, वो किसी को समझा नहीं सकता है, वो उसको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है। वो प्रेशर स्लोली जो लीड है वो थोड़ा थोड़ा अपने साथ जो उसके सीनियर जो टीम में सीनियर लोग हैं उन पर भी डिस्ट्रीब्यूट करता है कि थोड़ा तुम सिखाओ, थोड़ा तुम सिखाओ, तुम इस पर नज़र रखो, तुम इसके साथ हेल्प करो, तुम इसकी ना तुम इसको गाइड करो, डोंट लेट हिम गो ऑन टू द रॉन्ग ट्रैक एवरीथिंग। तो वो सब करते मिल के, बट लीड का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आप देखें तो इस तरीके से फ्रेशर लीड के काम का नहीं होता है, बट देन हाँ यस उसको जितनी जल्दी वो अवेलेबल बना लेगा फिर उसका क्रेडिट लीड को मिलता है कि हाँ इस बंदे ने यार फटाफट बनाया है, तो दिस गाय इज गुड इन ग्रूमिंग ग्रेजुएट्स और ग्रूमिंग पीपल, तो वो एक एक क्रेडिट मिलता है। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ और ये बहुत क्रेडिट ले चुके हो आप इंडस्ट्री में। आता बट मैंने जी एग्री तो करो, मैं एग्री करता हूँ, मैंने क्रेडिट बहुत लिया है, बट वो क्रेडिट हमेशा बाद में लिया है, पहले मैंने दिया है, पहले मैंने वो टाइम वो एफर्ट दिया है तब जाके मुझे वो क्रेडिट मिला है, ना कि मुझे पहले क्रेडिट मिला फिर मैंने टाइम एफर्ट दिया। सो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने हमेशा अपफ्रंट जाके वो काम किया है मैंने। या अभी जब एक फ्रेशर जब ज्वाइन करता है एक लीड को, तो सबसे बड़ा हेडेक उसका रहता है यार ये जो आया है ना ये हवाबाजी करेगा, ये हवा में रहेगा, और रहता भी फ्रेशर हवा में, अपने हिसाब से आएगा, अपने हिसाब से जाएगा, बहाना मार देगा, छुट्टी ले लेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे ये लोग यंग होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती इनको, बाहर कचरा खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिस में इनको ज़रूर तबीयत खराब हो जाएगी, एसी में बैठे बैठे तबीयत खराब हो जाएगी इनके, तो ये छुट्टी मार देंगे। और लीड से कहेंगे हमारा हाथ में दर्द है कि पैर में दर्द है कि मुंह में दर्द है कि कहाँ कहाँ दर्द है, जाने कहाँ दर्द है, बस आ नहीं सकते ऑफिस। अब लीड क्या है, लीड बेचारा कुछ कह ही नहीं सकता, वो प्रोफेशनल है, वो ये नहीं कह सकता तुम चले तुम झूठ बोल रहे हो। लीड को पता है, लीड को पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन हम फ्रेशर्स को ये लगता है कि लीड को कुछ नहीं पता। नहीं, लीड को पता है कि तुम चू बना रहे हो उसको, उसको सब पता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में है। और फिर फ्रेशर को लगता है, ग्रेजुएट को लगता है, ए ये तो बेवकूफ, मैंने कैसे बना दिया, ये क्या पकड़ेगा, और बार मैं तो बार बार करूँगा क्या कर लेगा। अच्छा ठीक है, फिर लीड के ट्रिक होते हैं अपने उसको इंगेज करने का, यहाँ नहीं तो यहाँ फंसाएंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ फंसाएंगे, है ना। अगर ये ज़्यादा शान पट्टी करेगा तो जब ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जाएगा तो उसको रोक दूंगा मैं। अब बेटा क्या रुका हूँ, है ना, या इसको किसी अच्छे काम का झांसा दूंगा, लालच दूंगा और उसको उसमें लगा लूंगा ताकि ये सब फालतू की हरकतें ना करे। ये सब करता है लीड, बोलेगा नहीं, करता है, एवरी लीड डज दैट। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप देखो तो उसमें कहीं बुराई नहीं है, बिकॉज अगर आपने गलत करा तो लीड को पता है वो भी कुछ ना कुछ करेगा ना उसका एंटी। सही बात, दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा तो जब फ्रेशर जब आता है लीड उसके साथ, उसके लीड का काम उसको रोज़ देखना है, नज़र रखना है, नज़र इन नॉन नेगेटिव कि वो कहीं भटक ना रहा हो, वो अपने पाथ से भटक ना जाए, वो ये करना उसकी जगह ये ना करने लगे। और तो कई बार यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा एक चीज़ कि कई बार ना फ्रेशर इस चीज़ को थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट समझ लेते हैं कि बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करता है यार, ये देखता है कब जा रहा है कब आ रहा है, ये माइक्रो मैनेजमेंट उनको ऐसा लगता है कि ये माइक्रो मैनेजमेंट है। नहीं, क्योंकि क्योंकि फ्रेशर को चाहिए नहीं ना कोई लोड, उनको तो फ्री हैं, वो तो फ्री चाहते हैं। अभी घर में जिनके छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बेबी 1 या 2 साल का, आप छोड़ दो उसको, रोको मत, डोर खोलो, थोड़ी देर में घर से बाहर निकल जाएगा, और अगर डोर बंद कर दो रोएगा कि नहीं यार तुमने डोर क्यों बंद कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, खुला छोड़ दें उसको, नहीं छोड़ सकते ना, उसको नहीं पता है, छोटा बेबी है,
खुला छोड़ देंगे, हो सकता है डोर से बाहर निकल के वो स्टेयर से नीचे जाके कहीं निकल जाए। नो, सेम हाल फ्रेशर का है, आपको फ्रेशर को रिस्ट्रिक्शन लगता है बट ये उसकी भलाई के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी में आए हो आप काम करने के लिए आए हो भाई, आपको पैसा ऐसे थोड़ी मिल रहा है, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके ऊपर। यू कॉन्ट डिनाई दैट, यू कॉन्ट अवॉइड दैट, यू हैव टू टेक इट। यू आर नॉट बींग पेड हेयर जस्ट टू कम इन स्टाइल एंड गो इन स्टाइल एंड डू नथिंग, दैट इज नॉट वॉट यू गेटिंग पेड फॉर। आपको बात करना है लड़कियों से, करिए, आप चैटिंग करना है करिए, किसी लड़की को फंसाइए प्रोजेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट काम करिए, वो सब होता है बट काम करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इज इट नॉट रिकॉर्डिंग? ओके, सो जब काम करने लगता है टीम में आके सीखने लगता है, तो एवरी डे एक लीड को ये देखना पड़ता है कि उसे कैसे उसकी लर्निंग को आगे बढ़ाना है। एवरी डे इट्स अ चैलेंज, लर्निंग कैसे, नॉट जस्ट उसको रोज़ वीडियो देते रहें, रोज़ वीडियो दे दिए, चल तू ये वीडियो देख, आज ये वीडियो देख, सिर्फ वीडियो देख के थोड़ी कुछ लर्निंग होगी। वीडियो देख लिया है, पढ़ लिया है, तो आज तू ये वाला काम कर, या लीड को पता है उसके पास ये काम है और ये बंदा इस काम में हेल्प कर सकता है, इसको यहाँ लगा सकते हैं, तो इसको लर्निंग इसकी इसके अराउंड कराओ पहले। ऐसे लर्निंग जब होगी तो वही वो बंदा ये समझेगा कि उसको काम क्या करना और कैसे करना है, ठीक है। रोज़ सीखेगा और रोज़ थोड़ा करेगा, रोज़ सीखेगा रोज़ थोड़ा करेगा, मतलब ये कह रहे हो कि वो जो जो भी वो सीखता है, जो भी करता है, उसका आउटकम दिखना चाहिए, राइट? बिल्कुल, उसको भी दिखना चाहिए। सिर्फ आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, नहीं नहीं नहीं, प्लेलिस्ट देख रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, उससे तो बंदा बोर हो जाएगा, बंदा उसको नींद आएगी, वो झपकी मारेगा, कोई सेंस ही नहीं है, है ना। सीखे, थोड़ा सा आउटकम दे, उसको देखिएगा जब उसका कोड चल रहा है, उसको खुद को फीलिंग आएगा, अरे यार मैंने कुछ सीखा, अरे मैंने चला लिया, जो कभी सोचा भी नहीं होगा ये चल जाएगा, मैंने चला लिया, मैंने बटन क्लिक किया, ये ऑपरेशन हो गया, डेटाबेस में डेटा सेव हो गया, अरे वाह, डेटा दिख रहा है। और एक फ्रेशर के लिए अगर ये कुछ छोटी चीज ही, ये मतलब फ्रेशर के लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये फ्रेशर के लिए बहुत बड़ी चीज है भाई, बहुत बड़ी चीज है। जब मैं एज अ फ्रेशर था, तो अगर एक बटन भी अगर मूव हो जाता है इधर से उधर क्लिक करने पे, तो मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यस यस एब्सोल्युटली। तो लीड का जो हमेशा लाइफ है ना, वो हमेशा ये चीज स्ट्रगल बढ़ाती है, बट देन अगर लीड को आता है किसी बंदे को ग्रूम करना, स्पेशली फ्रेशर्स को, देन उसकी लाइफ अच्छी ही होनी है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर लीड को आता है, ये लीड ने अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है, सीखा है और डेवलप किया है कैसे ग्रूम करना है जूनियर्स को, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और वो ही बंद वो और ऐसा लीड ही फ्रेशर्स की लाइफ भी ईजी करेगा, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल एक्सपीरियंस लीड का। अच्छा, ये एक और मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इससे रिलेटेड, कि क्या चीज़ें हैं जो एक लीड छुपाता भी है, मतलब फ्रेशर से, जो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता है फ्रेशर को, मतलब वो बैकएंड में चल रही है बातें, है ना, सीनियर टेक लीड से चल रही है, अच्छा, ये लेकिन बताएगा नहीं वो आपको, आप से रहे, आई थिंक इट्स फाइन, डोंट वरी। जब फ्रेशर आता है कॉलेज से, अब कॉलेज में तो सर कोई अपने आप को हीरो समझता है ना, हीरो नहीं चलो शाणा तो समझता है, शाणा मतलब ओवर स्मार्ट समझता है। अब वो सोचता है यार मैं आया हूँ, ओहो मेरा लीड ऐसा दिखता है, पहला अपीरेंस, ये तो पेट निकला है इनका, इनके तो बाल झड़ गए हैं, इनका पेट निकला है ना, इनके तो क्या बताएं, ये ऐसे दिखते हैं तो ये चू होंगे, ये क्या पकड़ेंगे हमें, हम घुमा देंगे इनको, है ना। तो सोचता है कि मैं इनको घुमा दूंगा, आज मेरे पेट में दर्द है तो मैं छुट्टी मार दी, मैंने बोल कि पेट में दर्द है छुट्टी मार दी, मुझे बुखार हो गया सर्दी हो गई बहुत छुट्टी मार दी आज, लेकिन अगले दिन पहुंच गया ऑफिस, तो कौन चू हुआ। लीड को देखेगा ना कि इसको कल तो सर्दी थी खराब बहुत ज़्यादा, आज सही भी हो गई एकदम से पूरी है, और लीड को पता है कि ये पैटर्न है, ये नए नहीं है, इनको लग रहा है नए हैं, ये नया तरीके से कर रहे हैं, नए तरीके से बहाने मार रहे हैं, ऐसा नहीं है, लीड ने बहुत देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना एग्जाम्पल लो, मैंने बहुत देखे, तो कोई बोलता है मेरी तबीयत खराब है, ओके, नेक्स्ट डे आता है समझ में आता है कि तबीयत खराब थी कि नहीं थी। दूसरी बात, आज जब बंदा काम करके गया वो कैसे था सबको पता होता है, और नाइट में आता है तबीयत खराब हो गई, हम उसको समझ में आता है एकदम से, बटन थोड़ी दबा दिया कि तबीयत खराब हो गई। अच्छा, एक चीज़ और, कि सुनो रुको एक मिनट,
आप क्या छुपाते हो, मतलब जो आपकी बता रहा सीनियर हूँ। लीडर से बात होती है वो फ्रेशर नहीं से? नहीं वो एक डिफरेंट बात है, आएंगे उस पर। बट अभी मेरा सवाल वही था हाँ पूरा। आ रहा हाँ हूँ। बट जो जिस तरीके से जो ये जो फ्रेशर और ग्रेजुएट डेढ़ शाड़े बनते हैं, इनका लीड भी इनके बारे में कुछ थिंकिंग रखता है। इनको लगता है लीड चू है, मैनेजर चू है, ये खुद ही चू है। लीड कहता है अरे चू, ये तो चू है भाई। बोलेगा ये, मुझे पता है ये मुझको मारा है, मैं इतना एक्सपीरियंस लेके मैं इतनों को झेला हूँ, ये मुझको घुमा रहा है, तो ये खुद ही चूहा है। लीड को सब समझ में आता है, लीड को पता है सब कुछ। और लेकिन कभी लीड बोलता नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में कभी बोलेगा नहीं। वो आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको ही बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा तुमने ये नहीं किया। तुमको बोलेगा यू नीड टू डू इट बेटर, कभी नहीं बोलेगा तुमने ये नहीं करा। जब भी कभी लीड बोल रहा है यू नीड टू डू इट बेटर, मतलब तुमसे गड़बड़ी हुई है, साफ साफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो अपनी गरिमा में है, नहीं बोलेगा वो तुमको। बोलेगा तुमसे कोई मिस हुआ है, करा ही नहीं तुमने, तो बोलेगा ओके नाउ लेट्स डू इट, और लेट्स डू इट नाउ। कभी पिछली बात को नहीं उखाड़ेगा, लेकिन दिमाग में रखेगा कि तुमने मिस किया था वो। तो जब अप्रेजल परफॉर्मेंस का टाइम आएगा तो बात जरूर आएगी। ऐसा मत समझो उसमें वो कमीना है लीड, तुम्हारा मैनेजर कमीना है। नो, ये जो मिस किया है परफॉर्मेंस तो काउंट होगा ना, क्यों नहीं होगा, एट बिल्कुल द एंड ऑफ द होगा। डे इट हैज टू बी फेयर ना। यस, लीड हैज टू बी फेयर विद एवरीवन। यस कभी भी एक प्रोजेक्ट में एक फ्रेशर नहीं आता है, कंपनी हजारों में फ्रेशर्स को उठाती है, तो एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फ्रेशर आते हैं, उन फ्रेशर को सबके साथ बराबर व्यवहार करना ना। तो जो मिस करेगा उसको कम पॉइंट, जो मिस नहीं करेगा ज़्यादा पॉइंट। सबके साथ फेयर रहना है, कैसे करेगा, ऐसे ही कर सकता है। बोलिए, आओ बोलिए आपका क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे दर्शकों के लिए, कि मैं भी एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, नहीं, इसके पहले और दूसरा क्वेश्चन था ना वो क्या यार। चीज़ें, मेरा पुराना क्वेश्चन ये है हाँ कि क्या चीज़ें हैं, हाँ मुझे लगा कि आप जवाब नहीं देना चाहते उस चीज़ नहीं का, नहीं इसलिए नहीं कि अच्छा क्या चीज़ें हैं जो एक जो टीम लीड है आपका या फिर जो मैनेजर है वो नहीं, छुपाता है। इवन दो आपके बारे में बात चल रही है अपर लेवल पे या फिर जो भी आपके लिए प्लान है उसको हाँ आप तक बहुत लास्ट में पहुंचाया जाएगा, आपसे बोला जाएगा नहीं एवरीथिंग इज फाइन, है ना, देखो, ऐसे करके। वो नेगेटिव भी होती पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव ऐसी होती है, ऊपर वाले बोलते हैं अरे यार ये कुछ नहीं करता है, ये बस टाइम पास करता है, घूमता रहता है इधर उधर, कुछ नहीं करता है। तो वो आपसे डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता, आपको बोला जाएगा भाई देखो यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर सीरियस, राइट। वो क्योंकि वो प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं हुई ना जो ऊपर से बोला गया है। बट एट सम लेवल पीपल डू टॉक एट लोकल लैंग्वेज, इन लोकल लैंग्वेज, रॉ लैंग्वेज। ऐसा नहीं होता है, हर लेवल पे एक स्पेस ऐसा होता है जहाँ पे लोग बनाते हैं जिसमें रॉ लैंग्वेज में बात कर सके, वो होती है। वो आप तक एज इज नहीं आएगी। हाँ और इवन अप्रिसिएशन आता है तो अप्रिसिएशन भी दिया जाता है, बट सर्टली दिया जाता है। ऐसा नहीं, अरे तुमने तो छाया है गुरु, ये वो क्लैप, नहीं, यू डिड अ गुड जॉब, सो दैट आप उससे भटक ना जाओ, आपका दिमाग जो है वो खराब ना हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, है ना, ये करते यस रहो यस ओवर द यस पीरियड ऑफ टाइम। तो ये देखिए एक बार कर लिया। दोनों चीज़ें ऐसे शेयर करी जाती हैं कि आपसे आप उससे इफेक्ट ना हो ज़्यादा, हाँ पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये तो चलिए अब दर्शकों के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं भी सिंस एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था हाँ आपके अंडर, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ थोड़ा सा बताइए। सी, मैं उसके पहले थोड़ा सा और एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, और भी मेरे साथ पहले लोग हाँ फ्रेशर हाँ काम किए हैं, तो एक से एक बड़े वाले काम किए मेरे साथ, ज्वाइन किए मुझे, उसे काम किए, कुछ लोग काम करे हैं, कुछ नहीं करे हैं, कुछ बहुत डेढ़ शाणे रहे हैं, कुछ कुछ लड़कियाँ ज्वाइन करी वो भी बहुत शाणी रही हैं, पहले बता रहा हूँ पहले के एक्सेंचर वगैरह में। उसके बाद सो मैंने मिक्स वैरायटी देखा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं था, अभी तक मतलब 2018 तक, जो कि इतना अपनी लर्निंग में टाइम डेडिकेट करे, अपने सीखने में टाइम डेडिकेट करे, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम डेडिकेट करे, उतना मैंने नहीं देखा था जितना इन जब ये आया मेरे साथ तब मैंने देखा। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। वो मैंने इसको भी बोला, देख भाई मेरे को
मैं इसको बोलता था ये सीख ले, देखिए काम आएगा, ये सीख ले तो, क्योंकि सिंपल बात नहीं है, लोग कहते हैं हाँ कर लेंगे, करते नहीं है, ग्राउंड पे नहीं आता है। तो वो मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव था कि मेरी टीम में ऐसा बंदा है जो बोलता हूँ ये कर देता है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे पास, मुझको पता है टेक्निकली चैलेंजिंग काम आएगा मैं तो उसको दे दूँगा। एक तो ये है कि ये सीखेगा, एंड आई वॉन्ट हिम टू लर्न, ही इज़ दैट काइंड ऑफ गाय, ही शुड गेट दैट लर्निंग एंड रिवॉर्ड्स, प्लस मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत किया है। ऑल दो ये जो लड़का है बहुत सारी चीज़ों में ये भी चूता, बट जो काम की जो बात आती है उसमें ही वॉज काइंड ऑफ वेरी सिंसियर गाय, एंड ही स्टिल इज। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिकेट खेलने में ये बॉल फेंकता था, एक ओवर में 6 में से 4 वाइड फेंकता था, इधर से उधर इधर उधर करके, और बाकी जब जब लाइन में आती थी तो मैं छक्का मारता था उस पर। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, ज़्यादा मूड बना हुआ है, करा है मैंने। तो इट्स लाइक बहुत, और वो बहुत सारी चीज़ों में ये चू था। तो बट वो चीज़ें अलग हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं आई एम डिसरिस्पेक्टिंग हिम, बट ही वॉज नॉट यू नो शाला इन दोज थिंग्स, बट इन वर्क ही वॉज वेरी गुड। सो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से, एंड देन इसलिए हमारा तब से अभी तक हमारा साथ है, 5 साल 6 साल होने वाले हैं, 6 साल होने वाले, राइट? हाँ, इन इन 4-5 मंथ्स 6 6 हो जाएंगे हमारे साथ में। तब से हमारा काइंड ऑफ फ्रेंडशिप है, जबकि मेरा इसका एक्सपीरियंस में 10 at least 10 साल का डिफरेंस है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जब भी मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुआ था आपकी टीम में, तो मतलब स्टार्टिंग में हमें लगा था कि आप थोड़ा टफ गई हो टू हैंडल, है ना, ये वो, मतलब बात नहीं करता था, अप्रोच नहीं कर पाता था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, मैं अपने आप एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं किसी एक मैनेजर के अंडर काम कर रहा हूँ, ये मेरा मैनेजर है, ये ऐसा बिहेव करता है, एक सर्टन गाइडलाइंस होती है मैनेजर की, है ना, वो कभी फील नहीं हुआ आज तक। तो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट कि अगर ऐसा मैनेजर आपको मिलता है कभी भी, तो उसको अप्रिशिएट जरूर करें, आई मीन आप उसको कभी भूलें नहीं, मतलब ये नहीं कि आप करियर में अपने मूव हो जाते हैं ऊपर, है ना, तो उस चीज़ को हमेशा आप, जो आपकी रूट्स हैं जिन्होंने तैयार किया आपको, मजबूत किया है, उसको हमेशा आप मतलब ग्रेटिट्यूड शो करें आप हमेशा, है ना, क्योंकि बी हम्बल, क्योंकि एट सम डे आप भी उसके प्लेस में होंगे और आप किसी और को ग्रूम करेंगे, तो आप भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आपका आपको ग्रेटिट्यूड शो करें, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आज आप दोगे किसी को, कल आप कहीं तभी आपको कोई दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे, आप खुद ही नहीं दोगे तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, वो एक बात है, ठीक है। तो दिस वॉज माय यू नो इन शॉर्ट। कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे मेरे बारे में काम के अलावा, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ करता था हेल्प? एक्स्ट्रा करिकुलर यहाँ करता था, ये बहुत चीज़ों में हेल्प करता था, स्पेशली जहाँ पे बड़ी वही ले ली जाए यार। हाँ, नहीं नहीं, जिस इवेंट में मैं हाथ डालता था कि इवेंट करवाना है, उसमें तो ये मेरे लिए एक तरीके से ये ही मेन गाय होता था कि हाँ मेरे को पता है इसके भरोसे मैं कर सकता हूँ पूरा इवेंट। तो ऑल दो मेरे को मिलता था क्रेडिट कि हाँ ये अमित ने किया है, बट मैं हमेशा वो क्रेडिट इसको भी शेयर किया, नहीं मैंने तो किया बट मेरे लिए इन सब लोगों ने किया, दैट इज़ द थिंग। तो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, मैंने इसको बोला कि नहीं तेरे को प्रेजेंटेशन देना है, अब टाइम आ गया प्रेजेंटेशन देने का, इन जस्ट आई थिंक नॉट इवन अ ईयर ऑफ टाइम, आई थिंक 7-8 months ऑफ टाइम, एंड देन इसने प्रेजेंटेशन भी दिया। तो इट्स लाइक एवरी वन वॉज लाइक यू नो अमित ने ग्रूम किया है इस बंदे को, ऐसे मैंने ग्रूम तो किया है, मैंने बहुत लोगों को ग्रूम भी किया, बट ये बंदे का एफर्ट कुछ अपने ही अलग ही लेवल के हैं कि वो ये कर पा रहा है। तो ये भी ज़रूरी है मैनेजर के लिए, बहुत सारे मैनेजर चुप रह जाते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, चलो ठीक है मेरी वाहवाही हो गई, मैं क्यों शेयर करूँ उस क्रेडिट को। नहीं यार, वो क्रेडिट शेयर नहीं होता है, वो क्रेडिट डबल होता है, इसको ऐसे देखना है, क्रेडिट मेरे को मिला मैं इसको दे रहा हूँ, क्रेडिट डबल हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक फ्रेशर कोई अच्छा काम करता है ना, तो क्या उसके बारे में ये सीनियर, मतलब सीनियर हायरार्की में भी जाता है चीज़ें, नोटिस होती है उस फ्रेशर के बारे में कि यार ये बंदा ना ये बिल्कुल मस्त है, ये लीड का जॉब है, तो ये कहाँ तक जाता है, मतलब लीडर मैनेजर का जॉब है, नहीं उतना भी नहीं, लीडर मैनेजर जॉब है कि अपने मैनेजर तक पहुँचाएँ, अपने मैनेजर सीनियर मैनेजर तक पहुँचाएँ कि ये बंदा अच्छा काम करता है, उसको हाईलाइट करें, और करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम केस में करते हैं, मैंने भी बहुत किया है और भी लोग करते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो प्रेशर को इसके लिए परेशान नहीं होना है, प्रेशर को अपने एफर्ट डालने और इन राइट डायरेक्शन, वो चीज़ नोटिस होगी और आपका लीड मैनेजर उसको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का ओवरऑल टॉपिक कि हम बात करेंगे कि एज अ मैनेजर लीड क्या एक्सपीरियंस करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, हमने देखा है कि व्यूअर्स हमारे कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप लोग देखिए आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे पूरे वीडियोस,
ठीक है, उसको 1 या 2 मिनट में मत छोड़िए प्लीज़, हमारा रिक्वेस्ट है ये। और आपको अच्छा लगेगा आप बोलिए कंटेंट में क्या और ऐड करना है, हम आप लोग ऐड कमेंट्स करेंगे, करिए, आई मीन जिस टॉपिक पे कमेंट आपको वीडियो कीजिए चाहिए, है कंटेंट, ना। हाँ कंटेंट के बारे में बोलिए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। बट हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा वीडियो पूरा देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आई मीन मतलब अगर नहीं डोंट पुट कंडीशन यार प्लीज। आप लोग झिझकते हैं, मतलब हाँ शेयर नहीं नहीं, करते हैं अपने आप फ्रेंड्स लाइक के साथ सब्सक्राइब में, कीजिए, है हमको ना। फीडबैक दीजिए कंटेंट के बारे में, हम उसको बेटर करेंगे, आपको पसंद आएगा ही आएगा। और हम ये भी एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, हम लोग एनालिटिक्स देखते हैं जो भी मतलब अपना है ना कंटेंट की एनालिटिक्स देखते हैं, उसमें देखते हैं कि लोग हमारे चैनल तो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते भाई। वही तो बोल ये रहा एक हूँ। कंप्लेन है, मतलब ये आप लोग हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप देख प्लीज, रहे हैं तो, कुछ नहीं है जा ना। रहा कुछ आपका, नहीं, आपको एक 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 बटन बटन को दबाना करना है बस है तू बस। प्लीज, उसमें कुछ नहीं जा रहा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत प्लीज। बेहतरीन कंटेंट हम लोग लाने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, मतलब बता रहा हूँ, यस, एकदम एकदम रियल कंटेंट ही लाएंगे मज़ा ही हम, आ जाएगा मतलब कहीं आप से लोगों पढ़ को। के कहीं से सुन के नहीं लाएंगे, रियल कंटेंट लाएंगे प्लीज। ठीक यस है, तो आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, आज का पॉडकास्ट इधर ही खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब थैंक यू तक गाइस, अपना ध्यान रखिए और सी यू लेटर, थैंक यू। बाय बाय।